हर्री बर्री मार्ग पर पुल निर्माण को मिली मंजूरी, 7,40,00,000 की लागत से बनेगा पुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। अनूपपुर के सावंतपुर हर्री बर्री मार्ग पर 3 किलोमीटर सड़क निर्माण और उच्च स्तरीय पुल निर्माण के लिए मंजूरी मिल गई है। नदी पर बनने वाले इस पुल की लागत 7,40,00,000 तय की गई है। भोपाल स्थित लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 अक्टूबर को आदेश पारित कर यह मंजूरी प्रदान की गई है। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, किस तरह इस पुल निर्माण की यह स्वीकृति संभव हो सकी है? जी बिल्कुल, देखिए तिपान नदी पर जो ये पुल बना हुआ था, जो कि अनूपपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 28 गांव को जोड़ता था, 2019 की बारिश में ये पुल ध्वस्त हो गया, गिर गया था। फिर जो बचा कुचा जो थोड़ा पुल का हिस्सा था, वो अभी पिछले साल की बारिश में वो भी टूट गया और वो जितना भी हिस्सा था वो बाढ़ में बह गया। फिर इस संदर्भ में जो कार्यवाही हुई, उसमें सबसे पहली पहल 2020 में हुई, जब मुख्यमंत्री का अनूपपुर में दौरा हुआ था और एक उत्कृष्ट विद्यालय के कार्यक्रम के दौरान यहाँ के जो विधायक हैं अनूपपुर के, विसाहूलाल सिंह जी, जो प्रदेश में मंत्री भी हैं, उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कि ये जो यहाँ पर पुल की समस्या है और रोड की भी, 3 किलोमीटर रोड के बनाए जाने की भी मंजूरी मिली है, तो ये रोड और पुल को लेकर के जो प्रस्ताव था वो विसाहूलाल जी की तरफ से पेश किया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसके निर्माण में आश्वासन दिया गया था। फिर उनके लगातार प्रयासों से ये खबर अब सामने आई है, जब लोक निर्माण विभाग के द्वारा 4 अक्टूबर को भोपाल से ये आदेश पारित हुआ और इसके तहत इस पुल निर्माण की और सड़क निर्माण की मंजूरी मिल गई है। बताया यह जा रहा है कि इस पुल निर्माण की जो लागत है लगभग 7 करोड़ के आसपास है और जो साथ में 3 किलोमीटर की सड़क बनाई जानी है उसकी लागत भी लगभग 5-5.5 करोड़ के आसपास बैठती है। तो ये इस तरह से इसकी मंजूरी मिली हुई है और बताया गया है कि 2 साल के अंदर, यानी कि 2023 तक, ये सड़क और पुल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा और जो असुविधाएं फिलहाल हो रही हैं लोगों को आवाजाही में, उससे निजात मिल सकेगी। पुल निर्माण की खबर पर स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? स्थानीय लोगों में निश्चित तौर पर काफी उत्साह देखा जा रहा है और जो यहाँ के अनूपपुर के विधायक हैं और मंत्री जो हैं प्रदेश में, खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री विसाहूलाल सिंह की काफी तारीफें हो रही हैं लोगों की तरफ से। और जो एक संबंध, जो यातायात का जो एक संपर्क है, कट गया था जिला मुख्यालय का और अनेक गाँव का, अब ये फिर से जुड़ने जा रहा है। हालांकि अभी इसकी सिर्फ मंजूरी मिली है, लेकिन फिर भी लोगों में काफी उत्साह है, काफी सकारात्मक भाव है और अब लोगों को लग रहा है कि जल्द से जल्द इस पुल के निर्माण हो जाने की वजह से जो उन्हें 5 किलोमीटर अतिरिक्त घूम कर जाना पड़ता था जिला मुख्यालय तक, वो अब नहीं जाना पड़ेगा और ये जो सीधा रास्ता है वो बनकर तैयार हो जाएगा और काफी असुविधाओं से उनको निजात मिल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन हमें जानकारी देने के लिए। इस पुल के निर्माण की खबर से लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीद है सड़क और पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो सकेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।